हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो हमने पिछली वीडियो चैनल पर अपलोड करी थी उसमें थोड़ा सा वॉइस का इशू आ गया था, लेकिन इशू उतना ज़्यादा भी नहीं था कि आपको सुनाई ना दे। आराम से आप हेडफोन यूज़ करके उस वीडियो में जो भी बातें कही गई हैं वो आपको सुनाई दी होगी, और उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग तर्क आ रहे थे, अलग अलग कमेंट आ रहे थे, कोई कोई हेट स्पीच भी दे रहा था। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप पीछे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कौन सी वीडियो यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो पहले हम एक बार इस वीडियो को सुन लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, फिर मैं आपको बीच में बताते जाऊँगा। और लास्ट तक सुनना, लास्ट तक मैं आपको क्या कहूँगा इस वीडियो के बारे में, पूरा बताऊँगा आपको फॉरेस्टर के बारे में और जो वीडियो वी पीडियो के बारे में। तो इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली जो वीडियो वी पीडियो वाले हैं वो इस वीडियो को अपने लिए ले रहे हैं, ठीक है, तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, और जो वन दरोगा वाले हैं वो अपने हिसाब से इस वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तो पहले एक बार वीडियो सुनो, फिर बताता हूँ आपको। तो अभी एक्चुअली मैं क्या हो रहा है, जो ये केस चल रहा है वो चल रहा है वीडियो वी पीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड। और अभी आप आगे के क्लिप में सुनोगे कि वहाँ पर साफ साफ जज साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि 9 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 3 तारीख को जो इसकी हियरिंग होगी, यानी कि वीडियो वी पीडियो की हियरिंग 3 तारीख को होगी, 3 जुलाई को, तो उस दिन ही इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो हो क्या रहा है, जैसे कि आपने प्रीवियस कोई वीडियो देखी होगी तो उसमें एक्चुअली मामला चल रहा था कोर्ट में वीडियो फॉरेस्टर का, और वीडियो वी पीडियो वालों ने तोड़ मरोड़ के या क्रॉप करके उस वीडियो को प्रसारित करना शुरू कर दिया कि ये हमारे केस से रिलेटेड वीडियो है। और इस समय क्या हो रहा है, ये वीडियो वी पीडियो की वीडियो है, ये हियरिंग वीडियो वी पीडियो की है, तो वन दरोगा वाले उसको अपने से लेकर के उसको थोड़ा बहुत काट फाट के उसको अपने केस की तरह उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारा केस है। तो हालांकि ये केस किसका है, 3 तारीख को हियरिंग है वीडियो वी पीडियो की, और जो वन दरोगा की हियरिंग है वो है 30 जून को, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है, 30 जून को वन दरोगा की हियरिंग है और 3 जुलाई को किसकी हियरिंग है, वीडियो वी पीडियो की हियरिंग है। तो आगे सुनते हैं, आगे जज साहब क्या कहते हैं। अगर ये गलत कर रहे हैं तो आपने इनकी किसकी गर्दन काटी, अरे बच्चे किसी वोट है कैंसिल कर दो एग्जाम, ऐसे होता कैंसिल कर दो, जवाब देने बनेगा नहीं, इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। फाइल ऑटो भी कर दिया, अभी जहां पर रिजल्ट इफ एनी मिलता है लिस्ट ऑन 3rd जुलाई आपका फ्रेश को फाइनल ईयर 9th जुलाई को है ना, तो 3rd जुलाई को फाइनल सुन रहे। तो ये था इस केस का पूरा डिटेल। इस केस की जो सुनवाई है वो वन दरोगा की सुनवाई 30 जून को होगी, और जो वीडियो वी पीडियो का है वो अंतिम फैसला, फाइनल फैसला 3 जुलाई को आ जाएगा। अभी तक आप ये ना सोचें कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा या कैंसिल होगा, अभी तक जो एग्ज़ाम की डेट है वो 9 जुलाई को ही होगी, और 9 जुलाई को ही देख करके अपनी तैयारी आप करते रहिएगा, ठीक है। हालांकि जो कोर्ट का फैसला है वो क्या आता है, और अभी जो उत्तराखंड में जो भी स्टूडेंट है उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है बहुत बुरी तरीके से। स्टूडेंट यहाँ पर पिस गया है, चाहे वन दरोगा हो चाहे वीडियो वी पीडियो हो। अब यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, चाहे पहले वाले हो या चाहे अब वाले हो, कोई भी दोनों में से गलत नहीं है। तो दोनों को यहाँ पर उलझा के रख दिया है, और दोनों में मतलब खतरनाक यहाँ पर जो है वो बातें चल रही हैं, ठीक है। जो पुराने सिलेक्टेड हैं वो नए वालों को उल्टा सुलटा कह रहे हैं, और जो नए सिलेक्टेड हैं वो पुराने वालों को उल्टा सुलटा कह रहे हैं। तो आपको इन सब में नहीं आना है, आराम से भाईचारा बना के रखें, आराम से जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो सर्वमान्य होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।